से कोई दामन नहीं समेटे जो, कोई नजर नहीं अब देखे जो, डरो उस वक्त से, डरो उस वक्त से। कोई दामन नहीं समेटे जो, कोई नजर नहीं अब देखे जो, डरो उस वक्त से, डरो उस वक्त से। ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे बच्चों को अपनी अमान में रख। परवरदिगार अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में उन्हें नज़र-ए-बद से बचा के रख, उन्हें उनके इरादों में कामयाबियां अता फरमा। मेरे मौला मेरे बच्चों को नेक, सआदतमंद और सालेह बना। परवरदिगार मेरी इस दुआ को कबूल फरमा। मेरे मौला मेरे बच्चों को दूसरों के लिए भलाई बांटने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार उन्हें ऐसा बना दे कि वो मखलूक के लिए आसानियां पैदा करें। आमीन। क्या खूब है तेरी आन बान, हर रोज नई है शान शान, है रिश्ता न कोई खानदान, तू रब जहां में अब्द अब, मैं हमद कहूँ बस हमद हम, मैं हमद कहूँ बस हमद हम, बस हमद हम। आमिया असल में घर तो तुमने देख लिया, अब ये बताओ कि तुम्हारे अहले खाना कहाँ है? जी खाना और अहले खाना सब कुछ बस मैं ही हूँ। क्या मतलब? अरे और कोई नहीं? नहीं है, मेरा एक बेटा और एक बेटी है, लेकिन वो अपनी वालदा के साथ अमेरिका में रहते हैं। अच्छा, और उनकी वालदा? हमारी तलाक हो चुकी है। देखिए इसीलिए मैं यहाँ अकेला रहूंगा, अगर आपको मंजूर हो तो। अरे मियाँ लोग एतराज की क्या बात करते हो, जरूर रहो। मेरे भी दो बेटे हैं लेकिन दोनों बाहर हैं। बड़ा बेटा तो माशाल्लाह शादीशुदा है, बाल बच्चों वाला है। और आप यहाँ? भाई मैं हूँ यहाँ, मेरी बेगम जुबैदा हैं और मेरी बेटी है। यकीनन बड़े मियाँ अपनी बेटी के सिलसिले में मुझ पर मेहरबान हो रहे हैं। नजमा नाम है उसका, बड़ी सुघड़ है और बहुत घर गृहस्थी वाली है। गालबन बड़ी उम्र की होगी, उसी की फिक्र से बड़े मियाँ दुबले हो रहे हैं। अरे मियाँ अब तुमसे क्या पड़ता है, तुम तो घर के फर्द हो गए ना माशाल्लाह। मैं तुम्हें मिलवाता हूँ उनसे अभी। जुबैदा भाई यहाँ आइए प्लीज। देखिए ये कौन आया है? ये आए तो हमारे यहाँ किराएदार की हैसियत से हैं, लेकिन मुझे यूं लगता है जैसे अल्लाह ताला ने कोई फरिश्ता भेज दिया है। हाँ ढूंढने की जरूरत पेश नहीं आई, बैठे बिठाए घर दामाद भेज दिया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप अकेले ही हैं? नहीं नहीं, अरे अकेले कहाँ भाई, हम दोनों जो इनके साथ हैं। तो शादी नहीं की आपने? हुई थी
तलाक हो गई और अब वो दो बच्चों के साथ अमेरिका में रहती है। अच्छा जुबैदा प्लीज आप जरा इन्हें चाय वाय पिलवाइए, मुझे याद आया कि मुझे जुल्फी को फोन करना था, बहुत जरूरी, कल एक मीटिंग है ना उनके साथ, मैं इन्फॉर्म करने ही भूल गया। प्लीज आप इन्हें चाय पिलाइए, मैं अभी फोन करके आता हूँ। आइए ना। इससे पहले कहाँ रहते थे आप? जी मैं इससे पहले तो बच्चों के साथ ही रहता था, फिर जब तलाक हो गई तो फिर मुझे घर दूसरा ढूंढना पड़ा। अच्छा। इसकी उम्र तो कोई ज्यादा नहीं, मुश्किल 23-24 साल होगी। चीनी कितनी रहेगी? दो चम्मच। लगता है तलाक शुदा है और दोबारा माँ बाप के पास आ गई है। शुक्रिया नजमा। बेटा शायद तुम्हारी बच्ची जा गई है। बच्ची कहां से आ गई? जी एक्सक्यूज मी। बच्ची का क्या किस्सा है? हो सकता है कमसिनी में ही विवाह हो गई हो। नजमा की शादी को अभी 1.5 साल ही हुए थे कि नजमा के भी 1.5 साल ही शादी हुए होंगे कि शोहर अल्लाह को प्यारे हो गए। अभी तो बाप ने बच्ची की शक्ल भी नहीं देखी। नागहानी मौत होगी एक्सीडेंट किस्म की। बस क्या किया जाए, अपने मुल्क में अच्छी नौकरी मिलती नहीं तो मजबूरन इंसान को दूसरे मुल्कों का रुख करना पड़ता है। नजमा के मियाँ कहाँ गए थे? जी दुबई, वहाँ एक कंपनी को अपने प्रोजेक्ट के लिए एक खास इंजीनियर की जरूरत थी, बड़ी आसानी से नौकरी मिल गई। लेकिन शायद किस्मत ने साथ नहीं दिया। नहीं नहीं, किस्मत ने तो उसका बहुत साथ दिया, माशाल्लाह कई अंग्रेज उसके मातहत के तौर पर काम कर रहे हैं। मेरे सारे अंदाजे एक एक करके गलत साबित हो रहे हैं। अब अल्लाह ने चाहा तो 3-4 महीने में वो नजमा को अपने पास बुला लेगा। जी बहुत अच्छा करेगा। आपने कुछ लिया ही नहीं, लीजिए ना। ठीक है। नहीं नहीं ठीक है, कल बिल्कुल सही वक्त पे हम पहुंच जाएंगे। ओके खुदा हाफिज़। जी बस मैं अभी जा रहा हूँ। जल्दी क्या है अरमिया, खाना वाना खा के जाना, मुझे थोड़ा सा बैंक का काम है। ओहो भाई, बैंक के काम तो होते ही रहते हैं, कल कर लेना। आओ बैठो बैठो, जरा बैठ के कुछ थोड़ी सी बातें करें। बैठो भाई। जुबैदा आइए ना प्लीज। अच्छा साहब, वो किराए के बारे में तो मैंने पूछा ही नहीं, किराए का क्या हिसाब किताब होगा? अरे मियाँ, अब हम तुमसे क्या किराया मांगेंगे? तुम ऐसा करो कि किसी स्टेट एजेंट के पास चले जाओ, उससे पता कर लो क्या चल रहा है मार्केट, वो ही दे देना। लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूँ कि पिछला किराएदार क्या देता था? पिछले किराएदार 15,000 दे रहे थे, मगर ये कोई 2 साल पुरानी बात है। तो 2 साल से आपने घर किराए पर नहीं चढ़ाया? जी बस वो हमारे बेटों ने हमें सख्ती से मना कर रखा था। अच्छा, तो लेकिन ये बेटे आपके कहाँ होते हैं? जी वो दोनों माशाल्लाह बहरीन में रहते हैं, एक शादीशुदा है खैर से और दूसरे की अब शादी होने वाली है अगले महीने। लेकिन आपके बेटों ने घर किराए पे चढ़ाने से क्यों मना कर रखा है, इसकी कोई खास वजह? बस क्या बताएं आपको, हमारे पिछले किराएदारों ने हमें बहुत सख्त नुकसान पहुंचाया,
अबल तो वो एक साल तक किराया नहीं देते थे, बस टाल मटोल करते रहते थे, फिर ताला लगा के पता चला कि हफ्ते भर से गायब है। हाँ, हमें बड़ी तशवीश लाहक हुई कि ये लोग अचानक कहाँ निकल गए। और भाई उन दिनों में जरा हालात भी अच्छे नहीं थे, तो हमने तो फौरन पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी। जी, फिर पुलिस वाले यहाँ आए, ताला तोड़ा तो पता चला घर अंदर से बिल्कुल खाली। कमाल है, बगैर बताए चले गए, अजीब लोग थे। और ताज्जुब तो इस बात का हुआ कि रातों रात सारा सामान लेके किस तरह चले गए, ना कोई आहट हुई ना कोई खटका हुआ। क्या वो लोग यहाँ अकेले रहते थे? नहीं नहीं, उनकी तो एक गवार सी बीवी थी और दो बेटियां भी साथ थी। जी हाँ, और उनके जाने के बाद पता चला कि घर से इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, पंखे सब कुछ ले गए। पीछे कुछ छोड़ भी गए? जी हाँ, छोड़ गए। बात तब तो वो भी आप उनको ही भिजवा देती, उनको बेचारों नहाने में परेशानी पेशारी होगी। हद तो ये है कि वॉश बेसिन, सारे शीशों बाद फिटिंग तक गायब थी। नहुजत मारे नलके की टोटियां तक उतार के ले गए। मगर उनका कोई अता पता तो होगा आपके पास? वो दरअसल किसी सियासी पार्टी के आदमी थे, जब इलेक्शन में उनकी पार्टी हार गई तो इक्तदार में आने वाली पार्टी ने पकड़ धकड़ शुरू कर दी और चुन चुन कर लोगों से बदले लेने शुरू कर दिए। हाँ, इसीलिए तो हमें तशवीश लाहक थी कि भाई ये बगैर बताए कहाँ निकल गए। भाई वैसे हमें उनके जाने का बहुत अफसोस हुआ। और हमें तो ये लगता है कि वो शहर ही छोड़ के चले गए, क्योंकि उनके जाने के बाद यहाँ इंटेलिजेंस वाले उनको ढूंढते हुए आए थे। हाँ, अल्लाह खैर करे। मैं तो कहता हूँ जहाँ भी हों बस खैरियत से। अरे साहब, ऐसे लोग जहाँ भी हों खैर खैरियत से ही होते हैं। और उनके जाने के बाद मालूम ये हुआ कि 1.5 लाख का बिजली का बिल, 4,000 का सुई गैस का और कोई 3.25 लाख का टेलीफोन का बिल यहाँ छोड़ गए, वो भी हम लोगों को अदा करना पड़ा। यही नहीं, स्टोर वाले के, लॉन्ड्री वाले के, पान सिगरेट वाले के, पता नहीं किस किस के बिल हमारे लिए छोड़ गए। क्यों, तो आपके गले क्यों पड़ गए भाई? उन्हें उनसे लेने चाहिए थे। हमारे अब्बू ने जो सबकी गारंटी ली हुई है, लिहाजा हमें ही भरना पड़ा। कमाल है, इसके बाद भी इनको इबरत नहीं हुई। बड़े ठेठ लोग हैं और सादगी मुलाजा वो अपने होने वाले किराएदार को बता रहे हैं। अरे भैया, तुम खानदानी और जिम्मेदार आदमी लगते हो, तो बस इस घर को अपने ही घर समझो और भाई हमें भी अपने ही समझो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं ये चाहूँगा कि अब मैं अगली दफ़ा आऊँ तो आप बराए मेहरबानी किराया नामा और जो चीज़ों की इन्वेंट्री है वो तैयार करके रखें। अरे मियाँ, तो कमाल करते हो तुम। भाई हम क्या लिखेंगे किराया नामा, तुम खुद ही लिख लेना, दस्तखत कर दूंगा मैं, और क्या। और हाँ मियाँ, एक बात और कह दूँ कि वो अगर तुम घर में कोई तब्दीली करानी चाहो तो मुझे बता देना, मैं वो भी अपने ही खर्चे पे करा दूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज। चिकनाई से परहेज करता हूँ। क्यों भाई, तुम्हारा वजन तो ज्यादा नहीं लगता? जी हाँ, लेकिन मैं हार्ट पेशेंट हूँ, इसीलिए जरा खाना भी फूंक फूंक के खाता हूँ। ओहो भाई, फिर तो तुम्हें वाकई मोहतात रहना चाहिए। अच्छा मियाँ, हाँ अगर कभी खुदा ना खास्ता तुम्हें कोई तकलीफ महसूस हो तो इमरजेंसी बेल बजा देना, वो घंटी मेरे लाउंज में बजती है। हाँ, अभी ऊपर चलेंगे ना तो मैं तुम्हें बटन दिखा। मेरा ख्याल में अब ऊपर चलना चाहिए, मुझे वैसे भी थोड़ी नींद आ रही है। देखिए, जब तक आपके मुलाजिम का बंदोबस्त नहीं हो जाता, आप शाम की चाय, नाश्ता, दोपहर का खाना वगैरह सब हमारे साथ खाएंगे। आप क्यों तकलीफ कर रही हैं, मैं होटल में खा लिया करूँगा और वैसे भी ऊपर किचन मौजूद है, चाय बनानी मुझे आती है। ओहो, तो इसका मतलब ये है कि पूरी तरह शिफ्ट हो गए? जी हाँ, मेरे दफ्तर के लोग आगे सब सामान लगा गए।
अच्छा भाई वाह जुबैदा जी, भाई इनके लिए कुछ मीठे का इंतजाम नहीं किया प्लीज जी? मैं दरअसल मीठे से ही परहेज करता हूं। भाई हम भी तो देखें क्या क्या सेट हो गया है जरा। हाय की मैं आपको दिखाता हूं। ले ले बस मेरे ख्याल में यही वजह होगी। लेकिन अंकल आपके बच्चे आपके साथ रहना क्यों नहीं चाहते? मेरा ख्याल ये है कि मेरे बच्चों ने मुझे कभी अपने आइडियल के तौर पे कबूल ही नहीं किया। यही वजह है कि उन्होंने अपनी माँ के साथ रहने को मेरे साथ रहने में तरजीह दी। पर मेरी बेबसी देखिए कि मैं इस सब के बावजूद उन्हें कभी भी अपने दिल से निकाल नहीं सका। La 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 la